पब्लिक स्टेज पे मैं संगीता बठेजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे भी अपनी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम फ्रोलिक स्टेज पे बनाएंगे बटर स्कॉच सॉस जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। कैरेमल सॉस बनाने के लिए कढ़ाई को हम गरम करेंगे। ध्यान हमें रखना है कि जो कढ़ाई लेंगे वो हैवी बॉटम की होनी चाहिए। तो मैंने लिया है एक पाउच चीनी, इसे भी इस पर फैला देंगे और हाई फ्लेम पे ही हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। हमें इसे हिलाना नहीं है, तब तक नहीं हिलाना जब तक कि चीनी मेल्ट होनी शुरू ना हो जाए। चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है तो एक बार कढ़ाई को इस तरीके से घुमा देंगे। स्पून का हम यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान रखना है चीनी जो है बर्न नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हैवी बॉटम की जो कढ़ाई है या पैन है वो ज़रूर से आपने लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम करके और इसे हम चीनी को एक बार हिला देंगे। इसमें आपने कड़छी का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक स्पून से ही आप हिलाएंगे क्योंकि चीनी उसके साथ चिपक जाती है। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको मेल्ट करना है। बार बार हम इसे नहीं हिलाते रहेंगे वरना चीनी जो है मेल्ट होने में ज़्यादा समय लेती है। चीनी मेल्ट हो गई है, गैस की फ्लेम को हम स्विच ऑफ कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम। मैंने यहाँ अमूल की क्रीम ली है और जितनी हमने चीनी ली है उतनी ही हम क्रीम लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। ध्यान रखना है गैस बंद होने के बाद ही ये काम करना है और जब बबल्स बनने कम हो जाए तब हम इसे हिलाएंगे। इससे हमारा जो कैरेमल है वो काफ़ी ग्लॉसी बन के आएगा, साथ में इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन हाथ को बचा के रखना है। एक चम्मच आपने लेना है सॉल्टेड बटर का। सॉल्टेड बटर डालने से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से मिलाने के बाद ही हमने गैस को ऑन करना है। इसे हम एक अच्छा सा उबाल लगा देंगे। आप देख रहे होंगे कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं। गैस को हम बंद कर देंगे। और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए कितना टेस्टी, कितना टेम्पटिंग ये हमारा बटरस्कॉच सॉस बनके तैयार हुआ है। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और एक अच्छे बटरस्कॉच सॉस की पहचान है, आप अगर स्पून के पीछे देखेंगे तो इस तरीके से थिक लेयर जमनी चाहिए और अगर आप इस तरीके से फिंगर से निकालेंगे तो एक लेयर जो है वो पूरी तरह से छूट जानी चाहिए। हमारा कैरेमल बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे शेक में, आइसक्रीम्स में, डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये हमारा कैरेमल सॉस या आप इसे बटर स्कॉच सॉस भी कह सकते हैं और घर पे इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर कंटेंट थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम इससे इंस्पायर होंगे और बेटर काम करने के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।